अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सामू, अरे ओ सामू, कहां मर गए? जी बड़ी मालकिन, समय का ख्याल है कि नहीं? नाश्ता कहाँ है? वो तो भूल ही गए थे, और वो साहब का जूस देना भी भूल गए। देखे आते हैं, साहब का जूस भूल गए? ये क्या कर दिए हो तुम? है भगवान, अच्छा करना। मेरा जूस कहाँ है? तो हम आते हैं लेके। हे भगवान, ये बबली तुम भी यहाँ से निकल जाओ वरना लपेटे में आ जाओगी। हाँ मम्मी, जूस। हाँ तो तुम्हारा जूस ना, वो बस ला रहे लेकर आ रहा है। देखो आ गया आ गया साहब जी, आपका जूस। पूरा 3 मिनट लेट है। सॉरी साहब जी, वो फूल लाने चला गया था इसलिए देरी हो गई। हाँ बेटुआ, ये देखो कैसे ताजे ताजे फूल चुन चुन के लाया है शामू। हाँ माता रानी पे चढ़ा दो, माता रानी खुश हो जाएगी। कितनी बार कहा है मम्मी मैंने आपसे, नहीं भरोसा मुझे आपके भगवान पे। समझ में नहीं आता, आपको बार बार बोलना पड़ेगा। जिस पे मुझे भरोसा ही नहीं है उस पे फूल चढ़ाऊंगा मैं। और तू, भगवान के फूल लाने के लिए तूने मेरा जूस लेट किया। निकल निकल इस घर से, तेरी कोई जरूरत नहीं, भाग यहाँ से, गेट आउट। साहब जी हमको माफ कर दीजिए साहब जी, आज के बाद से ऐसी गलती कभी नहीं होगी साहब जी। इस नौकरी से हमको मत भगाइए साहब जी, हमको बहुत जरूरत है इस नौकरी की, हमें मत निकालिए साहब जी। तेरा भगवान है ना, संभालेगा तुझे, मदद करेगा तेरी। नहीं साहब जी, लेकिन इस घर में तेरी अभी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर तेरे मुंह से एक भी शब्द निकला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझा? निकल अभी के अभी निकल। ना हाँ, जिसने वो पैसे चुराए थे उसका पता चला। वेट कर रहा हूं मैं, कॉल बैक करो। मतलब का है? 1500 रुपए की बात है, उसके लिए 15,000 की जासूस लगवाया तुमने। मम्मी बात 1500, 15,000, 15 लाख या 15 करोड़ की नहीं है, बात है यकीन की और इसे तोड़ने की। किसी को भी माफ कर सकता हूँ लेकिन यकीन तोड़ने वाले को मैं बख्शूंगा नहीं। सर, सर वो पैसे इन्होंने चुराए थे। इन्होंने खुद आके अपना जुर्म कबूल किया। नहीं बेटा, वो पैसे हमने चुराए नहीं थे, मैंने तो उधार समझ के उधार लिया था। मेरे पोते की दवा खरीदनी थी, अगर उसे वक्त पे दवा न मिलती तो वो मर जाता। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था बेटा, इसलिए मुझे माफ कर दो, वो पैसे मैं अपनी तनख्वाह से कटवा दूंगा। तनख्वाह तो तब मिलेगी ना जब आपकी नौकरी रहेगी। अर्नब, ये क्या कह रहे हो बेटा? सारी जिंदगी मैंने शास्त्री जी की सेवा की, उनसे तुम पूछ सकते हो, मैंने कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया और यहाँ तक कि एक पैसे की कभी पैमानी नहीं की बेटा। अब की बार तो की ना। मैं मजबूर था बेटा। मैं भी मजबूर हूँ काका, गलती की है तो सजा तो मिलेगी। पुलिस को कॉल करो, जेल में डालना। मुझे माफ कर दो बेटा, एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे बेटा। सही कहा आपने, पहले मैं ऐसा नहीं था। बदल चुका हूं मैं, यह अर्नब शास्त्री वो अर्नब शास्त्री नहीं है जो पहले हुआ करता था। मर चुका है वो अर्नब शास्त्री।
और पता है किसने मारा? किसी के धोखे ने मारा है। इसलिए ना मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता है मुझे धोखा बर्दाश्त। भेजिए इन्हें। मुझे माफ कर दो बेटा, भगवान के वास्ते मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो बेटा, मुझे। चीटर्स। तू रोज इसकी मांग भरती है, तुझे कैसे पता कि ये शादीशुदा है या कुंवारी? जब ये मिली थी तब इसकी मांग में सिंदूर था, इसलिए मैं रोज इसकी मांग में सिंदूर लगाती हूँ। पूरे 8 महीने से तेरा इलाज कर रही हूँ, इसी आस में कि एक दिन ये अपनी आंखें जरूर खोलेगी, मगर ये ना अपनी आंखें खोलती है ना मेरी उम्मीद टूटती है। देखते हैं कौन जीतता है, इसकी जिद या मेरी उम्मीद। जब से मम्मी तुमने पल्लवी को इसकी जिंदगी से निकाला है, ये राम से रावण बन गया है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चुप करो, तुम्हें या तुम्हारे पति को माफी दिलवाई थी हमने इसी रावण से, समझी ना? अगर हम माफी दिलवा सकते तो सजा भी बहुत अच्छे से दिलवा सकते हैं। ये बात से हवा में ज्यादा ना ही उड़ो, समझी तुम? मम्मी हम समझी? समझ गए, समझ गए। लगता है इसको किसी अपने का दर्द सता रहा है। क्या किया तुमने अन्ना? किशोरी लाल जी की इतनी छोटी सी गलती की वजह से तुमने उन्हें नौकरी से निकलवा दिया और उन्हें जेल भेज दिया। फटाफट अपनी कंप्लेन वापस लो और उन्हें बाहर छुड़वाओ, वरना ये जो मजदूर देख रहे हो ना, वो हड़ताल पर चले जाएंगे, और वो भी अभी। कौन है तू? हमारी कंपनी का मामूली सा मुलाजिम है तू, शाश्वत। मेरा बाप नहीं है तू, तो चुपचाप ना अपने आदमियों को लेके जा और काम शुरू कर। जब तक किशोरी लाल जी बाहर नहीं आते कोई भी काम शुरू नहीं करेगा। अर्णव शास्त्री मुर्दाबाद, अर्णव शास्त्री मुर्दाबाद। हड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि मैं अभी और इसी वक्त तुम सबको अपनी कंपनी से निकालता हूं। अगर मेरे यहां काम ही नहीं करते होगे तो हड़ताल किस बात की करोगे? राइट, आउट आउट। एक मिनट, क्या कर रहे हो अर्णव? तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। नहीं होगी, बेरोजगारों की कमी नहीं है हमारे देश में, उन्हें रख लूंगा लेकिन किसी का ना धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, और ना ही किसी की दादागिरी। सुना नहीं तुमने? यू वाला फायर, निकलो यहां से। तेरी अकड़ निकालनी पड़ेगी, शुरू क्या पे? मम्मी, मम्मी रोको ना अर्णव को, मम्मी पगला गया है पल्लवी के जाने के बाद। खबरदार, आज लिया है, आज के बाद वो लड़की का नाम ही घर में ना ही होना चाहिए, समझे?
अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।